भाई यहाँ है पूर्व प्रधान जी, उसकी देवी जी पूर्व प्रधान है, ये हमारे साथी विक्रम जिन्होंने हमको यहाँ आमंत्रित किया। बहुगुणा जी हैं, इसी कंपनी में काम करते थे और ये भी जो है निकाल दिए गए वाली श्रेणी में है। डिमरी जी आए हैं और आप सब लोग हैं यहाँ, गाँव के बुजुर्ग लोग और आप महिलाएँ माताएँ बहनें। तो समस्या तो जो है मोहन भाई ने और आपने बता दिया कि भाई ये समस्या है, लेकिन जो है इस समस्या से भी बड़ी समस्या ये है जो कि जो है मैं सब जगह हम जहाँ जहाँ जैसे मैं तपोवन में कल गया और वहाँ भी देखा तो दिक्कत ये हो गई कि वहाँ भी यही दिक्कत है जो आप कह रहे हैं कि गाँव के जो प्रमुख लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, क्षमतावान लोग थे, उनका तो हो गया भला या वो उनका तो भला हो ही जा रहा है, नहीं तो उनका वो कुछ ना कुछ कर दे रहे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पीड़ित आदमी है, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित पक्ष है वहाँ भी, वो जो है गरीब तबका है जिसको कुछ नहीं मिला, जिसका कोई बोलने वाला नहीं, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं। बल्कि मैं जब वहाँ कल गया तो मैंने कहा देखो ये पंचायत घर में मैं बहुत साल बाद आज मीटिंग में आया हूँ, आप लोगों ने बुलाया, अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने कहा इसी पंचायत में वहाँ चौक में हम मीटिंग करते थे 2005-06 की बात है, और तब वहाँ उतना बड़ा पंचायत घर नहीं था तपोवन में, और वहाँ जब मीटिंग होती थी चौक में तो मैंने कहा देखो वो नीचे वाला घर था उजड़ गया हुआ ऐसे पठान वाला घर वहाँ जाम लगा। और उसके बाद जो है यहाँ निधि यादव की एक एसडीएम, उसने जो है 151 में आपको अंदर ले गए। मैं खाना खा रहा दिन में ऐसे 2 बजे मुझे कॉमरेड का फोन आ गया, वो भरत सिंह सलून वालों का, यार हम यहाँ हैं तुम आ जाओ। मैं थाने गया, मैंने पूछा उनसे क्या मामला है, उन्होंने कहा 151 पर हमको अंदर बंद किया गया। मैंने कहा 151 तो कुछ नहीं होती, आप बाहर निकल जाओ क्यों पड़े हो चक्कर में। उन्होंने कहा ना ना हमको तो पुरसाड़ी जाना है कॉमरेड की जिद, जबकि उसमें कोई प्रावधान नहीं था जेल जाने का, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम तो जेल ही जाएंगे, वहाँ हड़ताल करेंगे। ये जेल चले गए वहाँ पुरसाड़ी, और हमसे इन्होंने कहा कि जो है कल आप यहाँ प्रदर्शन करें, इसके खिलाफ विरोध में आंदोलन करो। हमने कहा ठीक है। तो मैं बाजार गया, मैंने लोग बाइक इकट्ठे किए और सुबह के लिए प्रदर्शन की तैयारी कर रहा। सुबह मैं वहाँ जुलूस निकाल रहा हूँ कि हमारे ढाक में लोगों पर ये जुल्म हो गया, इनको रिहा करो, फलाना करो, हम वहाँ जुलूस प्रदर्शन। मैं जब वो प्रदर्शन करते हुए बाजार के कोने पर हम आ गए, तब पता चला कि कुछ लोग तो यहाँ पहुँच गए हैं ढाक, और ढाक से वहाँ कंपनी चले गए। मैं भी वहाँ से गाड़ी में बैठा 10-15 लोगों को लेकर के, हम यहाँ जब तक हम यहाँ ढाक कोने पे पहुँचते तो ऊपर मल्ल ढाक में ही किसी ने मुझे कहा कि वो लोग तो आ गए वहाँ से LNT के दफ्तर से, वापस चलो वापस चलो। तो वापस मैं आया तो देखे लोग आए, भाई परसवाण आज के दिन प्रजीवित नहीं है, वो दीप परसवाण वगैरह वगैरह वो लोग नीचे से यहाँ पे मुझको मिल गए। उन्होंने कहा हो गया चलो चलो, अरे हुआ क्या कुछ पता नहीं। बाजार गए तो हल्की सी बात मैंने सुनी कि कुछ मारपीट वहाँ हुई है। 3 दिन बाद पता चला कि मारपीट क्या हुई, यहाँ तो बड़ा हो गया, यहाँ LNT वाले जो अफसर हैं वो तो अस्पताल चले गए, उन्होंने मेडिकल करा दिया, मेडिकल कराने के बाद उन्होंने FIR करा दी, और हम 6 लोग 7 लोगों को धर लिए गए। उसमें एक मैं था, एक ऊपर तुलसी देवी जी थी, धर्मलाल जी थे आप ही के भाई, उदय परसवाण जी थे जो वहाँ के, आनंद सिंह राणा जी सेलन के, ऐसे 6-7 लोग। और उसी मामले में मैं पहली बार जो है जेल की मैंने वो किया, वो ढाक पे आंदोलन की वजह से। केवल एक मामला नहीं, या अन्य भी सवालों पर जब 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 ये शुरू, तो हमारी मुलाकात तभी हुई जब ढाक का बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें कि इस गांव को जो है आदर्श गांव जी घोषित किया जाना था, नहीं हुआ, और DM साहब ने इस गाँव का उत्तर दिया। उस आंदोलन में हम हिस्सेदार रहे आपके यहाँ, और वहाँ तक गए गोपेश्वर, क्योंकि गोपेश्वर 2 रात हम वहाँ 2 दिन वहाँ रहे, और वो वार्ता कराने में भी जो है हमारी एक भूमिका रही उसको करने में। लेकिन उसके अलावा भी NTPC के खिलाफ जैसे आप कह रहे हैं कुछ बोलने को तैयार नहीं, मैंने वहाँ भी बोला, मैंने कहा असल में क्या हो गया कि NTPC के साथ नहीं बोलने की बात जो हो रही है, कि कोई प्रतिनिधि हमारा नहीं बोल पा रहा। बात आपके प्रतिनिधि की नहीं कर रहा हूँ मैं, कि आपने क्षेत्र पंचायत बनाया, प्रधान बनाया, महिला मंडल, ऊपर वाले की भी बात कर लो आप, जो यहाँ विधायक ही था उसी की बात कर लो। अब मैं इसे क्या बोलूँ, ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आपदा आई जब 2021 में, अगर आप लोगों को अखबार का ध्यान होगा तो 9 तारीख को जो है, ये 7 फरवरी को ये हुआ, और 9 तारीख के 10 तारीख के अखबार में खबर आई, विधायक साहब ने वार्ता करी और कहा हो गई, सब हो गया, बात खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। और ये सेटिंग लगातार विधायकों की, हमारे जनप्रतिनिधियों की रही, इसलिए वो कभी उस कंपनी के खिलाफ नहीं बोल पाए, आपके पक्ष में नहीं बोल पाए। बात ये नहीं थी कि कंपनी का विरोध करना है,
बात यह था कि जनता की बात रखनी थी, जनता के सवाल रखते थे। जो आप कह रहे हो आपकी सारी जमीन चली गई, वहां ऊपर वाली जो ढाकी की जमीन है जिसको उन्होंने जो है मलबे का ढेर बना दिया, सारा मलबा में जो है बारू का मलबा है, वो मकिंग जो है सारी बारूद वाली सारी जमीन को तबाह करने वाली है, वो एक किस्सा है। दूसरी बात जो है जिस आंदोलन को लड़ करके हम जो है जोशीमठ में कुछ पाप पुरंग जो है कल के दिन आपके लिए भी नुकसानदेह होने वाली, हम तो फिर भी उधर वो थे, यहाँ तो बिल्कुल नजदीक से आपके यहाँ से जा रहा है, और आप ही के साथ ही जो लोग काम करते हैं टनल में, इन्हीं लोगों ने बताया हमको कि हम पिछले साल डेढ़ साल में वहां से जो है ये कह रहे हैं या ये भी किया, उसके बावजूद कि वो पीडीएम से बन रही थी तब भी वहाँ इतना बड़ा छेद हुआ, सारा पानी निकल गया, आज तक भी पानी आ रहा है। आपके यहाँ तो ऐसे भी नहीं बन रही टनल, आपके यहाँ कैसे बन रही है, यहाँ से वो विस्फोट कर रहे हैं, विस्फोट करते 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 आगे बढ़ रहे हैं। विस्फोट भी ऐसा नहीं कि एक ब्लास्टिंग किया बड़ा हुआ फिर मलबा साफ किया, ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब लोगों ने देखा हुआ है। मैं क्या आपको बताऊंगा, आपके लोग तो वहाँ अंदर काम करते हैं, एक बार में 150 ब्लास्टिंग 200 ब्लास्टिंग वो लगाते हैं और बड़बड़ ऐसा फूटता है, सारा पहाड़ नीचे गिरा देता है। और यहाँ क्या हो रहा है कि पिछले कई साल से ये टनल पूरी क्यों नहीं हो रही है, चलो मान हुआ तो मशीन फंस गई मान लिया, और मशीन वहाँ फंसी हुई है 2009-10 से, और 2012 में थोड़ी दूर 11-12 में चली फिर फंस गई वही, और वहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ तक समझ गए। यहाँ तो विस्फोट से बना रहे थे, यहाँ से क्यों नहीं बढ़ गए आगे, कब की बात है, मैं 2006 की बात कर रहे हैं, आप 7 की बात कर रहे हैं, और हम कब खड़े हैं, 17 साल हो गए, 2024 चल रहा है, 17 साल में ये टनल यहाँ 2 किलोमीटर से आगे क्यों नहीं बढ़ी पता है आपको, इसलिए नहीं बढ़ी कि जैसे वो बढ़ा रहे हैं वो नीचे गिर जा रहा है, लूज मिट्टी मलबा सब नीचे आ जा रहा है, और मिट्टी मलबा कहाँ का, आप ही की जमीन के नीचे का मलबा है, लगातार नीचे गिर रहा है। और जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं विक्रम भाई लोग, 20 से 25 हजार गाड़ी, कितने गाड़ी, एक गाड़ी में कितना टन आता है साहब मलबा, रेत सीमेंट रोज आप देखे गए, आपके यहाँ तो ठेकेदारों की कमी नहीं है, आपको तो ठेका पता है, और ये पता कितनी रेत आती है एक ट्रक में, ठीक, तो एक ट्रक में जितना रेत आता है उसके हिसाब से लगाओ 25,000-30,000 गाड़ी ये लोग निकाल चुके हैं, अगर बाहर फेंक चुके हैं तो सारी जमीन नीचे खोखली हो गई, खत्म हो गई। हमारे जोशी मठ में जो है केवल वो विस्फोट होने से, केवल पानी छिड़ने से ही इतना सब नुकसान हो गया, यहाँ क्या होने वाला है कुछ पता नहीं। ढाक उसमें पहली तबाही ढाक में होने वाली है, बड़गांव में होने वाली है, तपोवन में, जैसे आप कह रहे हमारे यहाँ दरार आई, वैसी दरार तपोवन में 2007 में आ चुकी थी, 2009 में हम लड़े, और लड़ने के बाद हमारी पहली मांग तो यही थी कि हमारे पानी का इंतजाम करो जोशी मठ का, क्योंकि जोशी मठ जो है प्रभावित में नहीं था, प्रभावित कौन है, ढाक तपोवन बड़गांव है सेलंग है पैदी है और अनबड़, ये हमारे यहाँ से रविग्राम, तो रविग्राम को उन्होंने माना ये तो एक गांव है, जोशीमठ प्रभावित में नहीं था, तो प्रभावित नहीं था तो हमको कुछ मिल भी नहीं रहा था, हमारे यहाँ चाहे जो नुकसान हो। तब हम 2009 में लड़े कि भाई हमारा सारा पानी तुम्हारे यहाँ टनल में आ गया, और उस आंदोलन की पहली मांग हमारी थी कि जोशीमठ के पानी का इंतजाम किया जाए, बल्कि कल भी वहाँ के प्रधान जी ये लोग कह रहे थे तपोवन वाले जोशीमठ वालों को इन्होंने इतना पैसा दिया, बिल्कुल दिया, 16 करोड़ रुपया NTPC ने दिया हमको पानी की व्यवस्था के लिए। ये जो ढाक में आपका पॉलिटेक्निक आया है हमारे उसी आंदोलन में समझौते में लिखा हुआ है, वो समझौते कॉपी हमारे पास है, उसमें लिखा हुआ है वो ढाक का पॉलिटेक्निक महिला पॉलिटेक्निक उसी आंदोलन की बदौलत आया। उसके अलावा तीसरी मांग उसमें थी कि सारे जोशी मठ के घर मकान का बीमा किया जाए, ठीक है, तो बीमा हुआ लेकिन हमारा नहीं हुआ, जोशी मठ वालों किसका हुआ, तपोवन वालों का सेलंग वालों का 5 साल का टर्म बीमा किया गया, यानी कि टर्म बीमा होता है एक समय अवधि के लिए। उस समय में जब 2011 से लेकर 10 से लेकर के 2015 तक अगर तपोवन में सेलंग में किसी का मकान गिरता आग लगती कुछ होता उसको पैसा मिलता, लगा भी होगा किसी का टूटा भी होगा लोगों को पता ही नहीं चला, तब तक 2015 गुजर गया, उन्होंने कहा 5 साल हमने लड़ाई लड़ी, जैसे कि अभी हम पिछले साल जो है 2023 में लड़े और हमने हासिल किया, इतना पैसा लोगों को मिला उसमें कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते, तो प्रधान लोग हैं आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में जब जो है बारिश होती है आपदा आती है आपका घर मकान गिर जाए उसका पैसा मिलता है 3,40,000 रुपया पहले मिलता था, अब मिल रहा है 4 लाख रुपया अधिकतम। उसमें भी क्या नियम है कि आपके घर की छत नीचे गिरनी चाहिए, दरार में नहीं मिलता पैसा किसी को, आज तक नहीं मिला।
जोशी मठ में हल्की दरार है, लोगों के घरों में घर खड़े हैं, मकान केवल कुछ मकान गिरे हैं, बहुत मुश्किल 5 मकान 6 मकान है जो गिरे हैं, और केवल जो है 1 मकान दौड़े में और 2 मकान वहां, 3 मकान लोगों ने खुद गिराए और 2 होटल सरकार ने गिराए, इतना ही गिरा ना, लेकिन अभी तक कोई और इसके अलावा घर नहीं गिरा, लेकिन 200 से ज्यादा लोगों को जो है कम से कम 40 करोड़ रुपए बटा है, एक एक परिवार को, एक एक घर को लगभग 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए वाले कितने आपके चंडी भाई ने आपके मिले, 1 करोड़ रुपए मिला, कब मिला, जब हम लड़े, जब हम वहां बैठे रहे, हमने संघर्ष किया, तब वो पैसा लोगों को मिला जो ऐतिहासिक है, जो कहीं नहीं मिला, और ऐसे लोगों को मिला जो सबसे गरीब लोग थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, जिनका मकान अगर गिर जाता तो कोई उनको 1 रुपया देने वाला नहीं था, ऐसे लोगों को आपके और रिश्तेदार होंगे, आप पता कीजिए, उनका मकान में दरार जो है 2020 में नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22, उससे पुरानी भी दरारें थी लोगों की, लेकिन लोगों का लड़े लोग को उसका हासिल हो, लड़ते हैं आप तो कुछ मिलता है, जब लड़ते नहीं है तो कुछ मिलता है, एक बात। दूसरी बात जो है, जो इस समय हम बैठे हैं और ये आपके गाँव में आए, तपोवन में कल हम लोग बैठे, उसके कारण ये है कि ये लोग जो है जब निकाले गए, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने लड़े, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। अच्छा, हुआ क्या है, जो एनटीपीसी का काम बंद हुआ, जिस पर ये लोग निकाले गए हैं, वो काम बंद करने में इनका क्या हाथ है, कुछ नहीं, वो तो हमारा है, अगर उसका दोष देना है तो जोशीमठ वालों का हाथ है, हमारा हाथ क्या है, हमने कहा कि भाई एनटीपीसी जो है हमारे जोशीमठ में जो आपदा आई उसके लिए जिम्मेदार है, और इस लिहाज से हमने प्रशासन से मांग की, सरकार से कहा कि भाई जब तक हमारा फैसला नहीं होता जोशीमठ का, जब तक वैज्ञानिक ये नहीं बताते कि जोशीमठ में आपदा आई क्यों है, क्यों हमारे घर दरार आ रही है, क्यों जोशीमठ खिसक रहा है, जब तक ये पता नहीं चलता तब तक कोई भी काम यहाँ नहीं होना चाहिए, उस आधार पर सरकार ने इनका काम बंद कर दिया, उसमें तो ना इन लोगों की गलती है और एनटीपीसी की भी कोई वो नहीं थी, तो तब भी जो है साल भर इन्होंने इनका वेतन रोक दिया, जबकि उसका नियम है, नियम ये है कि अगर जो है कंपनी का वर्कर, उसका मजदूर बिना नोटिस के, बिना कुछ लिखित में दिए हुए काम बंद करता है, तब होता है नो वर्क नो पे, अगर ये नोटिस दे करके हड़ताल करते हैं तब भी नो वर्क नो पे नहीं होता है, तब भी उनको पे देनी पड़ती है हड़ताल के टाइम पे, लेकिन इसमें तो ऐसा भी नहीं, न इन्होंने हड़ताल की, न इन्होंने काम बंद किया, काम बंद किया सरकार ने, उसका खामियाजा ये लोग क्यों भुगते रहे, आपके लोग क्यों भुगते, तो जो है हमने कहा जब ऋतिक वाले ने पैसा दिया इनको कि साल भर का पैसा मिलना चाहिए, फिर आपने इनका फाइनल कर दिया, इनको निकाल दिया 10-20-50 हज़ार लाख रुपए दे करके, इनका पीएफ नहीं किया, इसलिए इनके साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय में हम आपके साथ खड़े, फिर हमने एक ज्ञापन दिया अप्रैल के महीने में, पहले हम यहाँ ढाक बैठे, फिर एक ज्ञापन दिया, फिर 1 मई को ज्ञापन दिया, फिर 10 मई को हमने फाइनल दिया कि अगर आप जो है आप नहीं सुनेंगे तो 6-7 दिन में हम फिर पूरा काम बंद कर देंगे, लेकिन मैंने कहा तुम लोग तो 40 लोग, तुम 40 लोग कंपनी को हिला नहीं सकते, ये कंपनी बहुत ढीठ कंपनी, बहुत खराब कंपनी, और आप लोग भी जानते हैं, जो आप अभी नियम बता रहे थे मैं उस पर भी आता हूँ, ये इतनी खराब कंपनी है कि अब मैं आपको बताऊँ नियम क्या है, वो ऐसा हुआ कि 2010 में जब हम लोग लड़ रहे थे तो जो हमने बीमे वाली बात कही वो बीमा इनकी जो आरएनआर पॉलिसी जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, इनकी जो आरएनआर पॉलिसी है बहुत ही खराब पॉलिसी है, इसकी शिकायत केवल जोशीमठ वाले ढाक तपोवन वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इन्होंने तो पढ़ी तक नहीं, हमारे यहाँ तो क्या हुआ कि जोशीमठ में कुछ लोग मांग कर रहे थे अभी कि एनटीपीसी की आरएनआर पॉलिसी के तहत हमारा विस्थापन किया, अरे मैंने कहा बेवकूफ मत लिखो मत बोलो, ये इनकी जो विस्थापन पॉलिसी है सबसे खराब है, इसका विरोध सिर्फ यहाँ हो रहा नहीं पूरे देश में हो रहा है, जहाँ ये कोयले की बिजली बना रहे हैं, कोयले की खदानें खोदते हैं, एनटीपीसी का काम ही कोयले से बिजली बनाना है, वहाँ भी लोग इनके आरएनआर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, जो कोर्ट में चले गए इनके खिलाफ, अभी 200 करोड़ रुपए इनको एक गाँव को देना पड़े, नीचे जो है आंध्रा में कहीं कोई गाँव है, तो जो है हुआ ये कि जब हम लोग लड़े और जब समझौता होने लगा तो समझौते में इन्होंने कहा एनटीपीसी ने कि हमारी जो आरएनआर पॉलिसी है, आरएनआर पॉलिसी का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन, जो पुनर्वास की जो नीति है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम बीमा करेंगे, हमने भी पढ़ा हुआ था, हमने कहा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, लेकिन उस समय जो यहाँ का जो डीएम था या वो सीडीओ थे शायद ये रंजीत सिन्हा साहब, तो वो रंजीत सिन्हा ने भी कहा कि भाई अब सभी जी आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन इसकी पॉलिसी में तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, तो आप कैसे ये मांग कर रहे हैं कि बीमा होना चाहिए, मैंने दूसरी पॉलिसी निकाली, मैंने कहा ये TSDC की RNR पॉलिसी है, और हाँ TSDC की है,
मैंने कहा देखो इसमें लिखा हुआ है कि टनल के जहाँ सुरंग है, सुरंग के 200 मीटर के दायरे में रहने वाले लोग दाईं तरफ और बाईं तरफ रहने वाले लोगों का अगर घर मकान वगैरह में दरार आती है तो उनका जो है बीमा किया जाएगा, ये TSDC की पॉलिसी कह रही है। भाई ये तो TSDC की पॉलिसी है, लेकिन वहाँ वालों उसी में चारा पत्ती भी है, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल TSDC की पॉलिसी, लेकिन जो TSDC कंपनी है और NDPC कंपनी है, दोनों क्या है, केंद्र सरकार की कंपनी है। केंद्र सरकार की कंपनियां, क्योंकि दोनों एक ही सरकार की कंपनी है, इसलिए ये नियम लागू हो सकता है हम पर। उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इस तरह से वो बीमे वाली बात आई। इसी तरह से हम लोग जब तपोवन वालों के लिए, ढाक वालों के लिए लड़ रहे थे, उसमें आपको रोजगार भी कहीं नहीं मिलना था, कहीं उनकी पॉलिसी में नहीं था। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ हुआ वन टाइम सेटलमेंट, आप लोग राजी हो गए। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब हुआ कि एक बार में सारा निपटा गया, एक बार उन्होंने आपको 1,00,000 रुपये जमीन का रेट दे दिया, उसके बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ये बात। लेकिन हम लोग लड़े उसके लिए और उसके बाद उनको आपको 70% रोजगार की बात हुई, जबकि कभी नहीं मिला लोगों को। लगातार आपको रोजगार के लिए इसीलिए लड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिसी में ये शामिल नहीं था, वो आपका वन टाइम सेटलमेंट कर चुके थे। तो इसलिए जो है इस बात को समझने की जरूरत है। तो बिना लड़े आपको कुछ मिलने वाला नहीं था, और अभी भी जो चारा पत्ती वगैरह जो वहाँ मिल रहा है वो आपके यहाँ भी तभी लागू होगा, या आपकी जमीन जो ये चली गई लगातार जा रही है उसके नुकसान की भरपाई करेगी वो। TSDC कर रही है ऐसा। अगर आप वहाँ चले जाओ विष्णु घाट पीपल कोटी वाली परियोजना में, वहाँ लोग जैसे ही ये सवाल उठा रहे हैं उनको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी है। क्योंकि TSDC वो कंपनी है जिसने टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट और जो टिहरी डैम बनाए थे, जिन्होंने टिहरी डूबाई, तो वो टिहरी डूबने के समय में क्योंकि बहुत आंदोलन हुआ, बहुत लड़ाई, सुंदरलाल बहुगुणा जी वगैरह लड़ते रहे, उनको चुप कराने के लिए उन्होंने जो है इस तरह की पॉलिसी बनाई ताकि सबको समाहित कर दो। इसलिए उनकी पॉलिसी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जा रहा है, वो आपको भी मिल सकता था अगर आप लोग इस तरह से लड़ते हो। तो ये एक चीज़। तो जो आपका जो नुकसान हो रहा है, जो लगातार जमीन जा रही है, बल्कि रविग्राम वालों का तो जो बहुत कुछ मिला उसमें, मैं जब लड़ा उनका तो सिर्फ इतना हो रहा था, रविग्राम की कहानी मैं आपको सुनाऊं तो रविग्राम में सिर्फ इतना हो रहा था कि वहाँ जो है जहाँ वो फील्ड है, फील्ड में वो लोहे को वो बना रहे थे उसको गोले, ताकि वो टनल भी फिट करने के लिए, JP कंपनी। वहाँ जब काम हो रहा था तो उनका गंदा पानी जा रहा था रविग्राम वालों के खेतों में, उस पर मैं लड़ा कि तुमने इनकी खेती बर्बाद कर दी। उस आधार पर रविग्राम वालों को बहुत कुछ JP कंपनी को देना पड़ा, उस समय की बात करें 2006-07 की। तो जब आप ठीक से लड़ते हैं, बोलते हैं, तो मिलता है। तो ये एक चीज़। तो इसलिए जो है जब इनके साथ ये अन्याय हो गया तब हमने कहा भाई इसको बोलना चाहिए, लेकिन मैंने इन लोगों से कहा तुम 30-40 आदमी लड़ोगे तो कोई नहीं सुनेगा तुम्हारे, इसलिए जो है क्योंकि तुम अपने लिए तो कमा नहीं रहे भाई। अगर तुम नौकरी कर रहे हो, आपकी पति है, आपका बेटा, आपका भाई अगर नौकरी कर रहा है तो अपने लिए तो नहीं कर रहा, अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपना परिवार पालता है, उसके बच्चे पालता है। वो बच्चे लोग जो है गाँव वाले, जिस गाँव से तुम आते हो उस गाँव के वाले, इनका भविष्य क्या होगा? खेती चली जाएगी, खेती बंजर हो जाएगी, जिस दिन आपके मन के निवेरा आपने मारी लाकर निकाल देंगे, ऐसा वाला नहीं। स्थायी रोजगार की आप व्यवस्था कीजिए लोगों के लिए, हर परिवार से एक आदमी को कुछ ना कुछ सहायता वहाँ से मिले, इस बात के लिए लड़ने की, बोलने की जरूरत है। इसलिए हम आप लोगों के पास आए। अगर आप लोग लड़ते हैं, आप लोग खड़े होंगे, तो मैं भी उसमें खड़ा होंगे। और जैसा पहले हुआ कि मैंने कहा कि भाई मुकदमा होगा तो पहले मैं रहूँगा, डंडा पड़े पहले मेरे पे पड़े, जो भी हो पहले मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, तब जब आप लोग साथ खड़े होंगे। और आप ही नहीं खड़े होंगे तो मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं। हम जोशीमठ में भी जीते या दूसरी आंदोलनों में जब जब हम लड़े, हमने जीत हासिल की, इसलिए क्योंकि लोग खड़े रहे। अगर आप मेरे साथ, हमारे साथ खड़े रहेंगे, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ हम हासिल करते रहेंगे, सबके न्याय के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन अगर आप ही लोग खड़े नहीं रहेंगे तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होना। हम तो बोल ही रहे, मैं तो पिछले 20-25 साल से बोल ही रहा हूँ, और इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर उनका ना एक, मैंने कभी वेट मांगा, ना कभी बेटी मांगा, ना रुपया मांगा, ना कुछ मांगा, कोई चाय तक नहीं पी NTPC, वो ये तक नहीं कह सकते। इसलिए अगर इस दम के साथ, इस जोर के साथ, इस ताकत के साथ मैं बोल पा रहा हूँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ। दूसरा नहीं बोल पा रहा है तो इसीलिए नहीं बोल पा रहा है, उनके एहसान तले दबा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं उनसे लड़ सकता हूँ तब, लेकिन तब मेरे पीछे आपकी ताकत होनी चाहिए, आप लोगों का साथ होना चाहिए, तब हम लड़ सकते हैं। नहीं तो आज मैं कल भी वहाँ कह रहा था तपोवन में कि भाई आज उन्होंने यहाँ तक हटियाया, आज उन्होंने एक को निकाला, कल वो दूसरे को निकाले, या परसों किसी को निकाले,
क्योंकि वो ऐसे ही ना उनको ओढ़ा, सरकारें अपना आ गया। जैसे आप लोगों का होता है कि भाई आज यहाँ किसी ने सरकाया ओढ़ा, आप चुप, उसने फिर आगे सरकाया फिर चुप, फिर उसने पूरा खेती कब्जा लिया तो चुप ही चुप। लेकिन जब पहले दिन उसने सरकाया उसी दिन उसे बोले खबरदार मेरा खेत छेड़ा तो नहीं, तो वो दूसरा वाले कहता है यार आगे नहीं बढ़ रहे। अब आप कुछ बोलोगे नहीं तो वो तो कब्जा करते चले जा रहे हैं, कभी जंगल आपका, कभी आपकी जमीन, कभी आपका वो, कभी रोजगार, सब खा जाएंगे। उन्होंने कश्मीर से लोग बुला लिए, हिमाचल से लोग बुला, उनका काम तो चल जाए। वहाँ वो कश्मीर वाला वाला अफसर आया हुआ है, वो अपने आदमी जा रहा है और लगाएगा। आपका जो अधिकार था, आपका जंगल जमीन सब जा रहा है, आप ही कह रहे हो पानी के स्रोत सब सूख गए, कल के दिन ये भी खत्म होने वाले हैं। इसलिए बोलने की, अपना अधिकार, अपना हक जमाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि भाई जंगल हमारा है, ये जमीन हमारी है, तुम बाहर से आए भाई, ये यहाँ पहला हक हमारा है यहाँ के इलाके के लोगों का। जब तुम बोलोगे नहीं तो सुनेंगे नहीं। मालिक कौन होता है जो हक जमाता है? ऐसा तो नहीं कि आप मकान में हो तो आप ही मालिक हो। मालिक तब है जब बोले मेरा है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। जब आप ऐसा हक जमाते हैं तब आप मालिक बनते हैं। आप जमाओगे नहीं तो फिर कोई भी आकर के कब्जा कर जाएगा। जैसे इस गाँव के हाल होंगे, मैं तो बीच में एक लड़की आई को यहाँ रिसर्च करने, अमेरिका से आई थी, काफ़ी दिन रही हो या 6 महीने 7 महीने, तो मेरे पास 2-3 बार आए। एक दिन जो है वो ऐसी बैठी हुई थी, कुछ वो जो है जातीय सवालों पर बात हो रही थी उस पर। मैंने उसको कहा कि एक ज़माने में वहाँ वो ढाक गाँव बड़ा जागृत गाँव था, वो लड़ने वाले लोग, बोलने का कैसी बात कर रहा, वहाँ तो ऐसी कोई जागृति नहीं दिखाई देती। अमेरिका से आई, काफ़ी दिन रही, सबसे मिली हो आपके यहाँ, मेरे ख्याल से वो बाद में तब आपके पास गया है। आपने राजू तुम बता रहे, पर उसने बहुत खराब, बहुत दुखद, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन करके। लेकिन जो है उसको, उससे हमको बाहर निकलना चाहिए। ये जो स्लम्बर, ये जो नींद है, इससे जागना चाहिए, इससे हमको उठना चाहिए आगे। नहीं तो जो है अगर आप सो जाओगे आपकी पीढ़ी को जो है समझो खत्म हो गई। इसलिए जो है बोलने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत। मैं इसलिए भी आया यहाँ, इनकी नौकरी चाकरी तो अपनी जगह है, वो अलग बात, लेकिन इसलिए भी आना चाहता था कि उस लड़की ने जो मुझे बताया उससे मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप लोगों से ये बात तो करो, ये ठीक बात नहीं। आपके नौजवान लड़कों को सही रास्ते पर आना चाहिए। जो कुछ यहाँ हो रहा है, जो उसने बताया है कि जिस तरह नशा, जिस तरह से ये सब हो गया है, घरों में जो स्थिति हो रही है, महिलाओं, ज़्यादातर उसने कहा महिलाओं की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। वो दिन भर जो है वो खेतों में पीड़ित हो रही है, घास ला रही है, वो ला रही है, और शाम को पति के साथ भी ऐसा हो जा रहा है, बहुत पीड़ित लोग हैं यहाँ। मैंने कहा मैं जाऊँगा तो किसी को बोलूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग इकट्ठा हो जागृत होइए, महिलाओं को ज़्यादा जागृत होने की ज़रूरत है। आप ही अगर जागृत हो जाओगे तो आप उन सबको ठीक कर सकते हो। महिला जो है इस समाज की धुरी भी तो है, वो पृथ्वी भी है, वही चला सकती है सबको। अगर आप में जागृति आ गई महिलाओं में तो आप इन पुरुषों को भी ठीक कर लो। इसलिए मैं यही प्रार्थना करने आया आप लोगों, थोड़ा आपने वो जगाओ, थोड़ा अपनी ताकत समझो, आप में ताकत है, आप ये कर सकते हो, करने की ज़रूरत है। आप लोग आइए, इकट्ठा होइए। हमने 17 तारीख की कॉल दी है कि 17 तारीख को सब लोग इकट्ठा होइए, सकोन वाले, ढाक वाले, सेलन वाले, पहली वाले, और इस कंपनी को दिलाओ। पहले दिन तो हम केवल वो कंपनी के यहाँ ताला मारेंगे वहाँ जोशी मठ में, और नहीं मानेंगे वो तो तब सब जगह काम बंद करेंगे। तब जब आप सब साथ होंगे निश्चित तौर पर लड़ाई जीती जाएगी, अगर आप साथ होंगे। यही कहने, यही अपील करने, यही आपके बीच आए हैं, आपने समय दिया, सुना, धन्यवाद।